सो है गाइस, दिस इज प्रशांत और आज हमारे पास है दो कॉन्टिनेंटल GT650। एक है हमारे पास मिस्टर क्लीन एंड दूसरा है हमारे पास जो रॉक एंड रेड आता है। दोनों ही कलर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड सबसे ज़्यादा यही कलर इनमें बिकते हैं और इस कलर पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा आपको वेटिंग देखने को मिल जाती है। तो इस पे करीबन वेटिंग चलती है 3 से 4 महीने और कई बार तो इससे भी ज़्यादा चली जाती है। एंड प्राइस वाइज अगर देखें तो ये आती है आपकी करीबन 4,23,000 ऑन रोड, आपको अप्रोक्सीमेट 4,30,000 की पड़ जाएगी और ये 30,000 कम की पड़ेगी क्योंकि इस कलर के लिए आपको 30,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ओनर्स रिव्यू करने वाले हैं कि अगर आप ये बाइक खरीदने का प्लान करते हो तो क्या आपको एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो इसके साथ निकल के आता है, क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। तो बुलाते हैं इस बाइक के ओनर को, तो अनिश भैया हमारे साथ है जो इस बाइक को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी है बाइक? ऑन रोड मेरे को ये 380 समथिंग पड़ी। तो 3,80,000 की पड़ी। तो जैसे कि मैं देखता हूँ ये रॉक एंड रेड और ये मिस्टर क्लीन, तो आपने यही कलर क्यों प्रीफर किया? ये कलर शोरूम में एक्चुअली अवेलेबल था उस टाइम पे, तो अगर नहीं होता तो फिर मेरे को बुकिंग करवानी पड़ती। तो अगर सपोज ये वाला उस टाइम पे अवेलेबल होता तो क्या आप ये ले लेते? नहीं, उसकी क्या वो प्राइस थोड़ी सी कलर की 25,000 रुपये ज़्यादा थी। 25,000 थी तो उसकी वजह से मैंने नहीं लिया। तो आपने जैसे कि मुझे, मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तो आपके इससे पहले आपके पास बुलेट थी, तो आपने बुलेट भी ऑन करी है, तो आपने बुलेट जो बेचने का आपका विचार क्या था, क्यों बेची? मतलब बुलेट मैंने ये न्यू बाइक लेने के लिए बेची थी, इसमें उससे पहले मेरे पास KTM की 8200 थी, तो उसमें पावर और बुलेट में थोड़ा कम था, तो उस वजह से फिर मैंने देखा कि GT650 पे नहीं जाऊँगा। तो जैसे कि आपने जब ये बाइक खरीदने का प्लान किया तो इस बीच आपने और कौन कौन सी बाइक जो विजिट की कि देखी कि ये भी ले सकता हूँ? मैंने उस टाइम पे जब मैंने बुलेट सेल करी थी उसके बाद में मैं KTM के शोरूम में विजिट किया था 390 के लिए, ड्यूक 390 के लिए, तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थी, ड्यूक 250 थी, तो पापा ने बोला 250 ले लो, तो फिर मैंने बोला कि 250 का नहीं लूँगा, 390 है तो वही लूँगा, कि मतलब अपग्रेड करना। उसके बाद में फिर भाई ने वो ली थी, फिर मैंने इसको जब चलाया तो फील हुआ कि हाँ पावरफुल बाइक है। जैसे मैं हम साथ में गए थे रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, तो आप इंटरसेप्टर के लिए जा रहे थे पहले, फिर आपने जब आपके घर में ये बाइक एक और आ गई तो फिर देन आप अगले शायद 2-3 दिन में आप ही ले आए थे, 10 दिन बाद में लेके आया। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब इनका पहले विचार था कि शायद ये KTM पे जाएंगे या फिर इंटरसेप्टर पे जाएंगे, लेकिन इनके घर पे जो एक भाई ये वाली बाइक लेके आ गया तो इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि भाई 10 दिन के अंदर ही किसी और जगह से इन्होंने कैसे से इस बाइक का जुगाड़ कर लिया और ले आए घर पे। ये मेरे को जयपुर से लेनी पड़ी थी। हाँ, तो जयपुर से और सीकर से कोई ज़्यादा प्राइस डिफरेंस थोड़ी सा डिफरेंस नहीं था। तो अब सबसे जो बड़ा सवाल इस बाइक के साथ आता है कि एवरेज कितना देती है? एवरेज तो इससे कोई बात के ऊपर है, बाकी अभी सिटी में दे देती है मतलब 14-15 और बाकी जब मैं हाईवे पे लेके चलता हूँ तो 20-22 तक का निकाल देती है। 20-22 और करीबन 25 भी कुछ लोग निकाल लेते हैं, वो चलाने पे आपके डिपेंड करता है। एंड देखो अगर आप इतनी एक्सपेंसिव बाइक खरीद रहे हो तो फिर एवरेज के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। अब जैसे कि आपने बताया कि 4,80,000 की है, मतलब 3,80,000 की पड़ी, तो उसके बाद में आपने इसके ऊपर क्या क्या खर्चा किया है मॉडिफिकेशन पे? अगर मोटा मोटा देखे तो ये आफ्टर मार्केट है लेगा और ये एक दोस्त लगवाए थे मैंने, बाकी ये मिरर्स वगैरह है और ये तो टैंक सेफ्टी के लिए वो लगवाए थे मैंने ब्लैक स्मोक PPF। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपकी जो गाड़ी की टेल लाइट पे हम जो ब्लैक PPF मतलब जो ब्लैक टेंटेड फिल्म लगाते हैं, तो सेम वही यहाँ पे टैंक पे लगाई, जिससे आपको थोड़े मैरून कलर की लगेगी, अदरवाइज ये पूरी रेड कलर में आती है। देन यहाँ पे आफ्टर मार्केट वाले आपको ये लेग गार्ड मिलते हैं। इस बाइक में आप देखोगे तो ओरिजिनल आपको तो कंपनी से जो आते हैं ना वो वाले हैं, लेकिन भाई मैं कहूँ तो देखो लुकिंग में भी इनकी लुकिंग ज़्यादा अच्छी है एंड ये आपकी बाइक को सही में प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये लगने के बाद बाइक ऑलरेडी गिर चुकी है, इस पर डेंट भी आ चुका है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर बाइक को सही में बचाना तो आप प्लीज़ उन पे जाओ। एंड अगली चीज़, इन दोनों बाइक के अंदर आपको अलग अलग एग्जॉस्ट मिलेंगे, वो है आपके रेड रोस्टर वाले एंड ये है आपके AEW 101। तो इनकी प्राइस आती है 20,000 और इसकी जो प्राइस है वो आ जाती है आपको मे भी शायद 11,000 की आपको ये वाली पड़ने वाली है। तो जैसे आप इतने टाइम से बाइक को यूज़ करो तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव बताना चाहोगे इसके? मतलब सबसे पहले नेगेटिव बताओ, नेगेटिव क्या क्या है इस बाइक के? नेगेटिव तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि रॉयल एनफील्ड में जब भी अपन तो आपको दिखाया था हूँ एक बार में, ये अभी इसमें फ्यूल नहीं है। हाँ, नहीं है इसमें फ्यूल। हाँ, फिर भी देखो आप ये 4 पॉइंट दिखा रहा है कि फ्यूल है। सबसे बड़ा नेगेटिव तो इसका मेरे को यही लगा सबसे बड़ा। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो
इतना कुछ मैंने नोटिस नहीं किया, बाकी एवरेज तो है, एवरेज तो कम देगी ये 450। अब जैसे मैं कहूँगी एक तो ये 3,80,000 की बाइक है, और अपन जैसे गांव के एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव बाइक किसी के पास नहीं, मतलब आपके घर में दो ऐसी बाइक है तो जब रोड पे लेके निकलते हो तो कैसा, मतलब रिएक्शन कैसा रहता लोगों का? रिएक्शन तो बहुत प्यारा आता है, लोग बाग देखते हैं घूम घूम के कि मतलब कौन सी बाइक है क्या है, फिर देखते हैं रॉयल एनफील्ड ये कौन सी बाइक है। और शायद 100 में से 70% लोगों को तो पता भी नहीं कि ये बाइक रॉयल एनफील्ड की कौन सी है, ऐसी कौन सी बाइक आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बुलेट ही जानते हैं, और काफी कम लोगों को पता है कि ये बुलेट से एक्सपेंसिव आती है, एंड उससे 20 किलो इसमें ज्यादा वजन है, फुल टैंक के साथ 9 किलो और बढ़ जाता है, टोटल यहाँ पे 28-29 किलो इसमें एक्स्ट्रा वजन आता है उससे, एंड काफी लोग किसी रीजन से इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसका इतना ज्यादा वजन है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वजन तो देखो है इसमें 650 cc के हिसाब से काफी ज्यादा वजन है, बाकी अगर अपन ऐसे सिटी में चलाएंगे ना तो उससे परेशान हो जाएंगे, जैसे रेड लाइट वगैरह ये सिग्नल्स वगैरह आते हैं तो उसमें थोड़ा अपन परेशान से हो जाते हैं, बाकी इससे बेटर मेरे को इंटरसेप्टर लगती है क्योंकि सिटी के मामले में। लुक्स में दोनों में से कौन सी सही लगती है, इंटरसेप्टर लुक्स में तो यही है, और इसका जैसे कि कैफे रेसर बाइक है इंडिया में सबसे सस्ती आती है, हालांकि लोगों को महंगी लगती है क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैफे रेसर का क्या सेगमेंट है, और इसका 70% जैसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वैसे तो बाइक सस्ती है कैफे रेसर सेगमेंट को देखते हुए, तो मतलब इसका जो पोस्चर, जिस पोस्चर में हम बैठते हैं पैर एकदम पीछे की तरफ होते हैं और हमारे कंधे आगे तो झुक जाते हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो मेरे पास तो सबसे पहले RC 200 थी तो उसमें भी वही सेम पोस्चर था, तो उससे तो कम है इसमें, बाकी मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है, मैं डेली राइड करता हूँ उस पर। तो आप मतलब अपनी रोजाना आम जिंदगी में इसी बाइक को चलाते हो? आम जिंदगी में तो मेरे पास पल्सर भी है 150 cc, तो वो चलाता हूँ मैं काफी बार, और बाकी मैं ये जयपुर में रखता हूँ, मेरे साथ ही रखता हूँ तो यही चलाता हूँ। मतलब जयपुर में जैसे यही चलाते हो, और जब यहाँ पे गांव में आते हो तो कभी कभार ज्यादातर पल्सर चलाते हो? तो एवरेज से दिक्कत नहीं होती कि इतना कम एवरेज ही बाइक दे रही है? एवरेज से तो देखो अगर बाइक आपके पास बड़ी है तो फिर वो एवरेज उसी हिसाब से देगी, तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरेज से। तो देखो एवरेज का कंसर्न करना भी नहीं चाहिए जब आप कितनी महंगी बाइक लेके अगर रोड पर निकल रहे हो, हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मेरी तो 25 का एवरेज देती है, 30 का एवरेज देती है, भाई वो देखो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो और कैसे चला रहे हो, बट देखो ये वाली बाइक जैसे इसके जो ओनर है मेरा दोस्त है तो वो बताता है कि ये आपको सिटी में देती है 12 का और नॉर्मली आपको 20 का समथिंग दे देती है, बट ये थोड़ा ज़्यादा देती है, ये आपको 15 का देती है सिटी में और नॉर्मल आपको ये 22 और 25 के समथिंग दे देती। तो ये बाइक जैसे आप शायद लास्ट ईयर ली थी आपने, शायद इसी टाइम पे ली थी, एक साल हो गया पूरा, तो आपने कितने किलोमीटर चला दी इसे? मैंने चला दी है 9,300 के समथिंग चल चुकी है। तो ये वाली 9,000 चली है और ये वाली आप देखते हो ये इसमें टोटल 8,000 चली है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम चल चुकी है, तो आपने इसे कितनी ट्रिप की अभी तक? जो ट्रिप का तो ऐसा है कि जयपुर मेरा अप डाउन होता रहता है, बाकी उसके अलावा अभी कुछ प्लान नहीं किया है, करूँगा। लेकिन तो आप जैसे जयपुर यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर पड़ता है पूरा, 150 किलोमीटर पड़ता है, तो आप कहीं बीच में गैप लेते हो क्योंकि इसमें थक जाते हैं जैसे? नहीं मैं गैप नहीं लिया। तो देख लीजिए आप बिना गैप के 150 किलोमीटर आराम से जा सकते हो, तो आपने हाईएस्ट कितना इसे चलाया बिना गैप लिए कि आपको मतलब कहीं पे आराम के लिए रुकना नहीं पड़ा क्योंकि इसमें पीठ काफी ज्यादा दुखती है? वैसे ये मैंने 220 किलोमीटर गया था एक बार, मैक्सिमम एक साथ 220 हलोर की साइड गया था, तो वहाँ देख लो वहाँ। तो बाइक ने आज तक कभी आपको धोखा दिया किस चीज़ में कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, इस इश्यू के लिए आपको मतलब सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बाइक से आप फुल लोन सेटिस्फाई हो? कभी इसे बेचने का ख्याल आता है मन में कि यार इसको बेच देना चाहिए, या फिर ऐसे अपनी चॉइस पे ऐसे डाउट होता है कि यार ये गलत ले ली? नहीं बिल्कुल नहीं होता। तो क्या आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको सजेस्ट करोगे वाली बाइक? सजेस्ट तो मैं करूंगा, लेकिन वही है अगर आपको फ्यूल का और थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए तो उसके लिए आप इंटरसेप्टर 650 पे जा सकते हो, और आपको थोड़ा ऐसे लुक चाहिए, पब्लिक रिएक्शन चाहिए, और ऐसे गांव में थोड़ा ऐसे चाहिए ना, मतलब रुतबे वाली चीज़ है। वैसे इसके अंदर देखो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, माइलेज भी कम देती है, तो वो भाई वो आप पे डिपेंड करता है आप मतलब कितना कमाते हो और कितना इस बाइक पे लगा सकते हो। नेगेटिव इसके काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव काफ़ी कम है, वो सेम वही देखो फॉर्चुनर स्कॉर्पियो वाली बात है। तो दोस्तों ये था दोनों आज हमारी जो कॉन्टिनेंटल GT 650 मिस्टर क्लीन और ये जो रॉकन रेड है, इन दोनों का ओवरऑल रिव्यू। तो शायद इस रिव्यू से आपको अंदाज़ा हो गया कि आप कौन सी बाइक लें या ना लें, एंड इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो ओनर्स रिव्यू है एंड जो सर्विस कॉस्ट है सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, तो मैं भी शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।